साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी राष्ट्रप्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूँ दीक्षेंद्र आर्य, आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। कार्यक्रम है कहानी आदर्श शिक्षक की। आप लोगों ने पिछले दिनों हमारे विशेष साथियों से रूबरू होते हुए उनके जीवन के बारे में जाना और हमारा जो प्रयास था वो मैं सार्थक इसलिए मानता हूँ कि बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं आप लोगों की आई। आज से पहले जिन शिक्षक साथियों की कहानी आपने सुनी है, चाहे डॉक्टर विवेकानंद शास्त्री जी रहे हों, सुदर्शन पुनिया जी रहे हों या हरपाल आर्य जी रहे हों, इसी तरह की उसी टीम की एक विशेष शख्सियत आज हमारे बीच में है और एक अलग पहचान जिन्होंने खास करके हरियाणा के शिक्षकों में बनाई है, भाई मनोज लाकड़ा जी हमारे बीच में है। मनोज जी, आपका स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मनोज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने शिक्षा विभाग में कब ज्वाइन किया, आप सबसे पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ थी और आज आप कहाँ पढ़ा रहे हैं? सर, जो मेरी फर्स्ट जो ज्वाइनिंग है वो पहले मेवात नहीं था, गुड़गांव था और मेरा राजकीय उच्च विद्यालय गंगवानी गुड़गांव में, जो कि आजकल मेवात बन चुका है जी। मेरी 2001 में ज्वाइनिंग हुई एज ए हिंदी टीचर जी। और उसके बाद सर मैंने 3.5 साल वहाँ काम किया और 2004 में मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गवाल पहाड़ी में आ गया। वहाँ पे मेरा जो कार्यकाल है वो तकरीबन 6 साल रहा। उसके बाद मेरी जो पोस्टिंग है वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काटरपुरी गुड़गांव में, और फिलहाल जो है मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजघेड़ा में हूँ। और इन बिटवीन जो है मैं 6 महीने तक एज अ मौलिक अध्यापक, मुख्य अध्यापक के तौर पे मैं मेवात में भी काम करके आया हूँ। और एक कोर्ट केस के थ्रू जो है मेरी दोबारा से जो पोस्टिंग है वो अभी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजघेड़ा में है। बजघेड़ा में जी, अभी आप बजघेड़ा में हैं। और जिन साथियों को जानकारी नहीं है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, हिंदी के अध्यापक हैं मनोज लाकड़ा जी, लेकिन उनकी पहचान हिंदी सब्जेक्ट की वजह से नहीं है बल्कि एक अलग तरह के प्रयोगों के कारण से जो है उनकी अपनी पहचान है। मनोज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की चर्चाएं आपके बारे में चलती हैं, आपने अपने विद्यार्थियों से जिस तरह की ऐप तैयार करवाई हैं खास करके हरियाणा शिक्षा विभाग के लिए, वो क्या ऐप हैं और उनसे क्या क्या लाभ जो है वो शिक्षा विभाग ले रहा है? सर, ये जो सिलसिला है ये शुरू हुआ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काटरपुरी से, जहाँ पे मेरी चौथी पोस्टिंग थी। वहाँ पर कुछ देखिए, एक अध्यापक का जो मेन जो उनका कार्य है वो होना चाहिए और होता भी है अपने शिष्य और क्या कहते हैं अपने बच्चों पे। तो बच्चे जो है मुझे उस टाइम पे ऐसे मिले जो कि बहुत बढ़िया, जिनकी थिंकिंग थी और उनको उनकी जो सोच है वो विकसित करने की ज़रूरत थी। तो मैंने ये पाया कि उस विद्यालय में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि टेक्निकली वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मैं उनसे जुड़ा और हमारे उस विद्यालय में उस टाइम पे डेल और लर्निंग लिंक फाउंडेशन की एक प्रोजेक्ट चलता था और उनकी वहाँ पे लैब थी। तो मैंने ये पाया कि कुछ बच्चे इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारे जो पहला जो ऐप बनाया वो था कि मिड डे मील हरियाणा ऐप। बिल्कुल। इस ऐप की खास विशेषता ये थी कि इसमें हमने मिड डे मील की सारी रेसिपीज़ और उनकी जो कोस्टिंग है जो वो हमने इसमें डाली थी। इट इज़ अ कैलकुलेटर, वो कैलकुलेटर था। तो मैंने ये पाया कि हमारा जो एक अध्यापक है हमारे शिक्षा विभाग में, एक अध्यापक जो है हर विद्यालय में मिड डे मील इंचार्ज होता है और वो कम से कम उसकी कैलकुलेशन में 2 घंटे अपने वेस्ट करता वेस्ट था। करते, बिल्कुल। वो तो उसकी उस टाइम इज मनी, तो उस टाइम को बचाने के लिए हमने इस ऐप का डेवलप किया। तो इस ऐप में हम लोग सिर्फ इतना डालते हैं कि आज बच्चे कितने हमारे विद्यालय में प्रेजेंट है प्राइमरी स्तर पे और क्या कहते हैं सेकेंडरी 6 से 8 तक माध्यमिक स्तर पे। तो जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं हम सिर्फ वो संख्या, मान लीजिए आज मेरे विद्यालय में 149 बच्चे आए हैं प्राइमरी में और 259 है आए हैं मिडिल स्कूल में, तो हमने सिर्फ उनकी संख्या डालनी है। इसके बाद जो आज हमने पकाना है, मान लीजिए खीर पकानी है, तो हमने वो रेसिपी जो है उस पर हमने टच करना है खीर पे ही, और हमें
एक सेकंड विद इन अ सेकंड हमें ये पता लग जाएगा कि 149 बच्चों के लिए कितना चावल की जरूरत है, कितना चीनी की जरूरत है, कितना उसमें दूध की आवश्यकता है, साथ में और कितना उसकी जो कुकिंग कोस्टिंग है वो भी आ जाती है। और ये मात्र जो सेकंडों का काम है, इससे जो टीचर जो है उसका समय का 2 घंटे का समय रोज का बच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, 1 महीने में 60 घंटे बच जाते हैं बिल्कुल, या कहें कि पूरा 10 दिन का अगर हम 6 घंटे साल का अगर हम लगाएं तो 264 जो घंटे हैं वो एक टीचर के बच जाते हैं। तो ये इसके अलावा आपने कौन कौन से ऐप जो है अपने विद्यार्थियों से तैयार करवाई, या ऐप के अलावा भी, क्योंकि मैंने कई नाम सुने हैं, चाहे आपका वो बिना बिजली का मोबाइल की बात टीवी की बात हो, चाहे एयर कंडीशन हेलमेट की बात हो, चाहे मल्टीपर्पज बाल्टी की बात हो, मल्टीपर्पज कार की बात हो, ये कई तरह के आप लोगों ने तैयार किए, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी चाहिए। जी जी, इसके बाद हमने जो सर जो दीक्षेंद्र जी जो ऐप बनाया वो था हमारा समग्र मूल्यांकन ऐप। समग्र मूल्यांकन ऐप जो है वो सिर्फ इतना करता है कि आपको ई मार्कशीट जो है आपकी बनके तैयार हो जाती है। हम लोगों ने जो काम किया है वो बेसिकली अध्यापक के समय को बचाने के लिए किया है, ताकि वो अपना समय जो है और भी विद्यार्थियों के ऊपर खर्च कर सके। तो एक अध्यापक जो है उस ई मार्कशीट को बनाने में भी या भरने में भी 10 मिनट लगाता है, और हमारे ऐप के थ्रू वो मात्र सिर्फ 2 या 3 मिनट में ही ई मार्कशीट बनकर तैयार हो जाती है, और वो आसानी से बच्चे के व्हाट्सएप पे या उनके माँ बाप के अभिभावकों के पास भेज सकता है, ताकि वो उसका पूरा मूल्यांकन कर सकें। जी, इसके बाद वही जो टेक टीम थी बच्चों की, हम लोगों ने 2-3 ऐप और बनाए, जिसमें कि स्टॉक रजिस्टर ऐप है, स्काउट्स गाइड ऐप है, फी रजिस्टर ऐप है। इसके बाद सर कुछ बच्चों के साथ मेरा जो इंटरेक्शन रहा वो रहा साइंस जी प्रोजेक्ट्स पे। बिल्कुल, तो उन जो प्रोजेक्ट है, एक हमारा था सोलर प्लेट समर हेलमेट, वो हेलमेट इतना बढ़िया तैयार किया गया वो जिला स्तर पे ही, कि उसके अंदर हमने एक पंखा, देखिए आइडिया जो है वो बच्चे देते हैं, जब हम बात करते हैं तब आते हैं, कुछ लगन हो जाती है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में विशेषकर कमजोर हैं लेकिन इन चीजों में क्रिएटिव दिमाग है दीक्षेंद्र जी। तो उसमें उस बच्चे ने जो पंखा लगाया, फिर उसमें ब्लूटूथ स्पीकर लगा दिया, ऑफ ऑन करने का बटन लगा दिया, जीपीआर सिस्टम लगा दिया, यहाँ तक जो है जिला स्तर पे हमारा जो ये प्रोजेक्ट था चला गया। लेकिन मेरे अंदर भी कुछ ये था कि क्यों ना इसको जो है स्टेट या हम नेशनल लेवल पर ले जाएं। तो हम लोगों ने एक छोटा सा आइडिया लिया कि जो रिमोट कार होती है उनका जो रिमोट है वो हमने ले लिया, और रिमोट को भी जो है वो हेलमेट के अंदर कहीं पर छुपा दिया, ताकि जब हम उस हेलमेट को पहने तो उसका जो ऑफ ऑन का बटन है वो दब जाए। साथ में हमने एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया, एक ऐसी डिवाइस तैयार की जो कि मोटरसाइकिल के जहां पे प्लग लगता है वहां पे उसको फिट किया, और जब हम हेलमेट, इसके उद्देश्य जो है ताकि आप हेलमेट पहने तभी बाइक स्टार्ट हो, और वास्तव में ही बाइक तभी स्टार्ट होती है जब आप हेलमेट डालेंगे। तो इसका एक फायदा ये हुआ कि एक तो चोरी नहीं होगी मोटरसाइकिल, क्योंकि आपके पास चाबी हो सकती है लेकिन हेलमेट नहीं होगा तो स्टार्ट नहीं होगा। तो दूसरा सेफ्टी, सिर की सेफ्टी भी, सेफ्टी पॉइंट भी, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर आंकड़ों पे जाएं तो हर साल बहुत ज्यादा जो मौतें हैं वो सड़क पे हो जाती हैं और वो हेलमेट की वजह से। तो ये एक ह्यूमन जो कॉस्टिंग है उसको भी बचाता है, और ये हमारा जो हेलमेट है वो भोपाल में नेशनल साइंस एग्जीबिशन जवाहरलाल नेहरू वहां पे हमने प्रदर्शित किया, और वहां पे जो मुख्यमंत्री थे शिवराज जी उन्होंने जो है इस हेलमेट को काफी सराहा, और इसके लिए एक अलग से 5 करोड़ की राशि जो है वहां पे उसी टाइम पे वहां के विभाग को दे दी गई, ताकि वो इसके ऊपर और काम कर सके। एक आइडिया दिया विद्यार्थियों ने, कहिए चाहे मनोज लाकड़ा जी ने, और उसको मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में तब्दील किया। उसके बाद हम जानना चाहेंगे, ये तो एक विज्ञान की बात कहिए चाहे आप कंप्यूटर की बात कहिए, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, आपने हिंदी अध्यापक के तौर पर जो है ज्वाइनिंग की, आपने सिर्फ हिंदी में ही आप उससे पहले एमए किया था, या किसी अन्य विषय में भी आपने पढ़ाई की थी? सर जो अपना मेरा विभाग में आने के बाद जो है मैंने 4 MA भी की, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, चारों में मैंने जो है आगरा विश्वविद्यालय से MA की। तो फिर इसके बाद आप ये साइंस की तरफ और कंप्यूटर की तरफ कैसे आए?
दीक्षेंद्र भाई जी, इसमें क्या है कि कुछ जो टीस आप समझते होंगे, जब टीस जो चीज आपको नहीं मिल पाती तो वो टीस सी रह जाती है हमारे हृदय में। तो मेरे जो 12वीं जो कक्षा थी उसमें जब मेरे रिजल्ट आया तो मैं कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ाई में स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो जब मेरा रिजल्ट आया तो केमिस्ट्री में जो है मेरे कंपार्टमेंट आ गई, और जिस वजह से मुझे बीएससी में एडमिशन नहीं मिला। मेरा कुछ उस टाइम पे ये था कि भाई डॉक्टर बन जाए या क्या कहते हैं इंजीनियर बन जाए, तो वो जो था वो निकल गया। अब जो टीस जो थी वो यही थी कि मैं कर नहीं पाया, और मैंने वो टीस जो है अपने बच्चों पे ही निकाली कि मैं समझता हूँ कि जो बच्चा पढ़ रहा है क्यों ना मैं इस बच्चे को ही डॉक्टर बना दूं या इंजीनियर बना दूं। तो वो टीस मैंने निकाली है। जो खुद बनना चाहते थे वो आप अपने विद्यार्थियों को उस रूप में तैयार कर रहे हैं। तैयार कर। तो मनोज जी, मैं आपसे इस विषय से थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ। आपने, मैंने सुना आपने अपने विद्यालय में ग्राम पंचायत के सहयोग से, अन्य संस्थाओं के सहयोग से कुछ विशेष कार्य करवाए हैं। वो क्या कार्य हैं और लगभग कितनी कॉस्ट के वो कार्य करवाए होंगे? जी दीक्षेंद्र भाई जी, इसमें ऐसा है कि जो स्कूल है, विद्यालय है, वो बिना आप समुदाय की सहायता से आप इतना अपलिफ्ट नहीं कर सकते। समुदाय का जो है, क्योंकि बच्चा भी जो है हमारे पास समुदाय से ही आता है, और जब तक हम अपने समुदाय को या विभावकों को या सरपंच को, इनको अगर मोटिवेट नहीं करेंगे कि आप विद्यालय में कुछ कीजिए, तब तक वो चीज नहीं हो पाती। और मैं भी कितना पैसा लगा दूंगा, मैं कोई इतना व्यक्तिगत तो कोई भी कितना नहीं लगा भी नहीं सकता, इससे ज्यादा बिल्कुल जी। तो सरपंच जो है बजघेड़ा गांव के जो सरपंच हैं वो श्रीनिवास जी, वो एक बड़े ही जुझारू जो कहें वो व्यक्ति हैं। साथ में उन्होंने जो अपना जो वो ये चाहते हैं कि विद्यालय जो है वो थोड़ा सा इस स्तर का हो जाए कि हम प्राइवेट स्कूलों को मात दे सकें, तो उनको सिर्फ थोड़ा सा ही मोटिवेट करने की बात थी। और वो मैंने कई बार उनको ये कहा, सर हमारे स्कूल में आइए, ये काम रहता है, ये काम करता है, और तो उन्होंने वो करवाया और लगभग 90 लाख रुपये का वो अपना योगदान जो है विद्यालय में दे पाए। आप जब पलवल में थे, कहिए पलवल और मेवात का वो जो एरिया था, तब आपने एक मुहिम चलाई अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के, चाहे स्काउट गाइड की बात हो, एनसीसी की बात हो, एनएसएस की बात हो, और अन्य सामाजिक संस्थाओं से मिलकर के या वन विभाग से मिलकर के पौधारोपण का आपने कार्यक्रम चलाया था। तो वो क्या था और कितने पेड़ पौधे आपने उसमें वितरित किए होंगे? दीक्षेंद्र जी, उस टाइम पे ये 2017 की बात है, हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड में क्योंकि मैंने भाग लिया था, और कई बच्चे जो हैं दोनों ही भारत स्काउट गाइड में और हिंदुस्तान स्काउट गाइड में थे, तो हिंदुस्तान स्काउट गाइड की तरफ से वो प्रोग्राम था। और हम लोग, हमारी जो टीम है वो यहाँ से गुड़गावा से गई पलवल में, और पलवल में हम लोगों ने वन विभाग के साथ मिलकर के, सरकार के साथ मिलकर लगभग 2 लाख पौधों का जो है वितरण हमने किया। और वो कार्य जो ये था कि हम उन पौधों को स्कूल में भी पहुंचा पाए, ट्रैक्टर में वहां पे पहुंचाया है, साथ में उनको लगाने की जिम्मेवारी जो है वो विद्यालय के बच्चों को भी सौंपी, साथ में उनके जो अध्यापक थे उनको भी सौंपी, और हम ये कर पाए। मनोज जी, बहुत विशेष काम आपने किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी की हैं, समय तेजी से भाग रहा है। मैं आपसे बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में दो बातें और पूछना चाहूँगा। एक, आपने आप कुछ बच्चों को, कुछ विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दिलवाते हैं, तो वो कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवा रहे होंगे, वो क्या रहता है, तो वो मुझे आपसे जानना है। जी मंजर आलम जो है वो मेरे दोस्त हैं, और वो उल्लास पोलारिस एक ट्रस्ट है जो कि गुड़गांव में काम करती है, तो उनके वो जब भी मेरे को मिलते हैं, हम लोगों ने तकरीबन 10 स्कूलों में ये स्कॉलरशिप चालू की हुई है। कुछ जो है मैं अपने फादर सूरत सिंह पहलवान के नाम से भी एक स्कॉलरशिप हम चालू करते हैं। आप सभी, एक मिनट में रोक रहा हूँ मनोज जी को, आप सभी जानते हैं जज्जर जिले में छुड़ानी गाँव है, और वहाँ चौधरी सूरत सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती के पहलवान हुए हैं, और वो आर्मी में भी रहे, आप सभी जानते हैं टोक्यो में और जापान में जाकर के उन्होंने भारत की ताकत का लोहा मनवाया, वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर के आए। उसके अलावा भी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से मेडल्स जो है उन्होंने जीते हैं। वो मनोज लाकड़ा जी के पिताजी हैं, और उन्हीं से प्रेरित होकर के मनोज जी खुद पहले कुश्ती भी करते थे, फिर शिक्षा विभाग में आ गए। तो मनोज जी, आप वहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप बीच में थोड़ा। तो हम लोग क्या करते हैं जी, 9वीं से लेके 12वीं तक के कुछ जो मेरिट में आने वाले जो छात्र हैं, हम उन लोगों, उन छात्रों को छांटते हैं, और उनको 1000 रुपये
एक साल का हम लोग उनको देते हैं और एक स्कूल से 10 बच्चों का हम चयन करते हैं। तो ये आप विद्यार्थियों का सपोर्ट कर रहे हैं। आपने स्कूलों में भी एक बिना तार का टीवी वो उपलब्ध करवाया बहुत से विद्यालयों को, कितने विद्यालयों को करवाया है, वो है क्या चीज़, मैं ये भी जानना चाहूँगा। सर दीक्षेंद्र जी, वो एक हम कह सकते हैं कि डिब्बा है, लेकिन वो ऐसा ही डिब्बा नहीं, एक जादू का डिब्बा समझ लीजिए। उसको हम कहते हैं मोबाइल टीवी बिना बिजली का। हम लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्र में कई बार बिजली नहीं होती और हम लोग चाहते कि मेरा बच्चा भी जो है एक स्मार्ट क्लास पढ़े, तो हम लोग उस डिब्बे को जो है वहां ले जाते हैं और वहां पे हमारे पास एजुकेशन टूल के तौर पे एक फोन जरूर होता है। हम जो है गूगल पे हम अपना जो भी हमने लेसन पढ़ाया है गूगल पे उससे संबंधित जो है वीडियो हम उन बच्चों को उस डिब्बे में डाल करके दिखा सकते हैं और वो तकरीबन 20 से 25 या 30 बच्चे आराम से बैठ के देख सकते हैं। जी, वो बिल्कुल उसी तरीके का काम करता है जैसे कि आप थिएटर में बैठे हो और आप फिल्म देख रहे हो। उसकी जो स्क्रीन है वो अपने आप ही बड़ी हो जाती है, आप जितना दूर से देखेंगे उतना आपको क्लियर दिखेगा और बड़ा दिखेगा। तो वो आपने लगभग कितने स्कूलों को प्रोवाइड करवाया होगा? वो तकरीबन आज अगर हम लगाएं तो करीब 1800 स्कूलों को मुफ्त में ही बांटा गया है। इसमें कुछ उत्तराखंड में और कुछ दूसरे जो राज्य हैं वहां के अध्यापकों को दिया गया है। साथ में मैंने कुछ दोस्त ऐसे भी हैं कि जो पर्सनली मेरे से ये ले नहीं पाए, लेकिन मैंने उनको जो है वो कोरियर के थ्रू भी भिजवाया है और उसका पैसा भी जो है आने वाला है, लॉकडाउन में रुका हुआ है जी। तो खैर ये मनोज जी लगे हुए हैं बिल्कुल, हाँ वैसे ही जो है अपनी तरफ से सेवाएं दे रहे हैं। मनोज जी आप देख रहे हैं, मनोज जी का एक चौमुखी विकास ही नहीं कहूँगा, प्रयास कहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग अलग प्रयोग आप देख रहे हैं और मनोज जी का प्रयोग कितना सार्थक है ये आप खुद से तय करें। मनोज जी आप हमारे कार्यक्रम में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीक्षेंद्र भाई जी। साथियों ये थे मनोज लाकड़ा जी, मैं हूँ दीक्षेंद्र आर्य, आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त और कार्यक्रम था कहानी आदर्श शिक्षक की। आपको मनोज जी के प्रयास कैसे लगे, क्या उनका एक छोटा सा प्रयास आपके जीवन में किसी नए प्रयास की शुरुआत कर सकता है? यदि हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रयास करें सोशल मीडिया फॉर्मेट चाहे फेसबुक व्हाट्सएप और ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि नए साथी भी मनोज लाकड़ा जी के जीवन से प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद, सबको नमस्ते। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।